नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। देखो, पिछली क्लासेज में मैंने बात की थी लैटिमर डायग्राम की, लैटिमर आरेख की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लैटिमर आरेख होता क्या है। मैंने आपको बताया था बहुत सारी आधी आधी अभिक्रियाओं को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए और उनको जिन तीरों के द्वारा जोड़ा गया है उस पे उनका रेडॉक्स पोटेंशियल लिख दिया जाए तो ये जो पूरा डायग्राम बनता है इसको हम क्या कहते हैं, लैटिमर डायग्राम कहते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, एग्जाम में आपको लैटिमर डायग्राम दे दिया जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लैटिमर डायग्राम दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इस लैटिमर डायग्राम से अर्ध अभिक्रिया बनाओ, अर्ध अभिक्रिया बनाओ। तो अर्ध अभिक्रिया आपको कैसे बनानी है तो वो हम आज की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो हमको करना क्या है, जब भी हमको अर्ध अभिक्रिया बनानी है, आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, लैटिमर आरेख से अर्ध अभिक्रिया बनाना। क्या? लैटिमर आरेख से अर्ध अभिक्रिया बनाना। ठीक है, अब अर्ध अभिक्रिया हमको बनानी है तो करना क्या है, देखो सबसे पहले हम अर्ध अभिक्रिया कौन सी ले ले, NO3 N2O4। ठीक है, क्या ले लिया हमने, NO3 और N2O4 हमने ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमको यहां पे क्या करना है, सबसे पहला हमको काम क्या करना है, देखो यहां पे आप ध्यान से देखते जाना मैं क्या क्या करवा रहा हूं क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहां पे जो केंद्रीय परमाणु है, जो केंद्रीय परमाणु है उसको बैलेंस करना है। केंद्रीय परमाणु है उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एक नाइट्रोजन है और यहां पे क्या है, दो नाइट्रोजन है। यहां पे एक नाइट्रोजन है और यहां पे दो नाइट्रोजन है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। नाइट्रोजन क्या है, केंद्रीय परमाणु है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहां पे क्या लगा देंगे, हाफ लगा देंगे। ठीक है, नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगा दिया, हाफ लगा दिया। एक मिनट, मार्कर चेंज कर लेते हैं। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहां क्या लगा दिया, हाफ लगा दिया। अब हमको क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहां पे थोड़ा सा अलग तरीका है। क्या, देखो यहां पे हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन है। यहां हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है, यहां कितनी है, चार, नहीं चार नहीं है, यहां हमने हाफ लगा दिया तो हमारे पास यहां कितनी ऑक्सीजन बची, दो। ठीक है, यहां तीन ऑक्सीजन है और यहां दो ऑक्सीजन है। तो अब देखो जब भी हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, जितने ऑक्सीजन की कमी है, जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने हमको क्या लगाने हैं, H2O। जितने ऑक्सीजन कम है उतने हमको वाटर मॉलिक्यूल लगा देने हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन कम है तो एक वाटर मॉलिक्यूल लगा देने हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला काम तो क्या हुआ, पहला काम क्या हुआ हमारे पास, केंद्रीय परमाणु को बैलेंस करना या केंद्रीय परमाणु को संतुलित करना। सेंट्रल एटम को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन, है ना, क्योंकि हमने नाइट्रोजन का ही लैटिमर डायग्राम पढ़ा था। अब हम आगे की बात करते हैं, आगे हमको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, दूसरे नंबर पर हमको क्या करना है, ऑक्सीजन को संतुलित करना है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या को संतुलित करना, परमाणु की संख्या संतुलित करना, करना। ठीक है, तो यहां पे हमने दूसरे नंबर पे क्या कर दिया, ऑक्सीजन परमाणु की संतुलित करना। कैसे करेंगे, जितने ऑक्सीजन कम है, जितने ऑक्सीजन कम है उतने H2O जोड़ दो। ठीक है, जितने ऑक्सीजन कम है उतने यहां पे वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो तो हमारे पास काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑक्सीजन कम था तो मैंने क्या जोड़ दिया, एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिया, एक H2O जोड़ दिया। ठीक है बच्चा, अब आगे की बात करते हैं। अब आप कहोगे सर यहां पे हाइड्रोजन फालतू है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूं ना,
अब आप कहोगे सर हाइड्रोजन फालतू हो गए, कोई बात नहीं, देखो तो जितने हाइड्रोजन कम है उतने हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है। यहां कितने हाइड्रोजन है, दो, तो दो हाइड्रोजन हम कहां जोड़ देते हैं, यहां। हाइड्रोजन हमें किस रूप में जोड़ने हैं, एच प्लस के रूप में जोड़ने हैं, ध्यान रखना बच्चा, हमें हाइड्रोजन एच प्लस के रूप में जोड़ने हैं, एच प्लस के रूप में मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन, हाफ लगा दिया ना, ऑक्सीजन तीन और यहां पे दो एक तीन, हाइड्रोजन दो और हाइड्रोजन दो, ठीक है बच्चा, यहां पे हो गया, ठीक है। अच्छा और कुछ बैलेंस करना है यहां पे, और कुछ बैलेंस करना है, आप कहोगे नहीं सर जी, लेकिन यहां पे एक चीज और बैलेंस करना है जो सबसे जरूरी है। देखो आपने क्या करा, आपने केंद्रीय परमाणु को संतुलित कर दिया, उसके बाद ऑक्सीजन परमाणु की संख्या को संतुलित कर दिया H2O जोड़ के। अब तीसरी चीज और आपको करनी है, क्या आपको आवेश संतुलित करना है, आपको ये चार्ज है ना, चार्ज को संतुलित करना है, ठीक है, आवेश संतुलित करना। आप कहोगे आवेश कैसे संतुलित करें, देखो यहां पे पूरे में आपको क्या दिख रहा है, आपको पूरे में यहां पे कहीं प्लस माइनस दिख रहा है, पूरे में कहीं पे भी प्लस माइनस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये पूरी की पूरी स्पीशीज क्या है, उदासीन है, ठीक है। तो यहां वाले को भी उदासीन करना है। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या है, एक माइनस है, ठीक है, और दो हमारे पास क्या है, प्लस है, एक माइनस है और दो प्लस, दो एच प्लस है ना, तो एक माइनस से तो एक प्लस कैंसिल हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक प्लस बचता है, हमारे पास दो एच प्लस है ना, ठीक है, तो एक H प्लस का आवेश तो किसके द्वारा खत्म हो जाता है, इस वाले माइनस के द्वारा, ठीक है। अब एक और H प्लस आवेश बच रहा है, तो उसका आवेश कैसे खत्म होगा, प्लस को कौन खत्म करता है, माइनस, प्लस को कौन खत्म करता है, माइनस, माइनस कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, तो हम यहां क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन। देखो सारी अभिक्रियाएं हम करके देखेंगे जिससे हमको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन लगा दिया, ठीक है। तो अब ये पूरी की पूरी बैलेंस हो गई, यहां पे आवेश भी हमने क्या कर दिया, उदासीन कर दिया, ठीक है, आवेश चार्ज हमने क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, ठीक है बच्चा। तो ये हम बात कर रहे थे, है ना, तो ये तीन चीजें हमको ध्यान रखनी है। अब हम अगर आगे की बात करें, मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो हमको दूसरी रिएक्शन बैलेंस करनी है, कौन सी, N2O4, ठीक है, और इसमें HNO2, ठीक है, इसको बैलेंस करना है। तो नाइट्रोजन कितने हैं यहां पे, दो, यहां नाइट्रोजन कितने हैं, एक, ठीक है, तो हमको बैलेंस करना है, चलो यहां हाफ लगा देते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहला हमने क्या कर दिया, केंद्रीय परमाणु को संतुलित कर दिया, सेंट्रल एटम को बैलेंस कर दिया। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की, यहां हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, दो, और यहां हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, दो, तो ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस। अगर कमी होती ऑक्सीजन की तो हम क्या लगाते, H2O, लेकिन ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, तो यहां पे कुछ लगाने की जरूरत है क्या, मुझे तो नहीं लगता कुछ लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस है, तो यहां दो, यहां दो, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, आप कहोगे हाइड्रोजन, ठीक है भैया हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहां हाइड्रोजन की कमी है, तो यहां क्या लगाएंगे हम, H प्लस, ठीक है, तो यहां मैंने क्या लगा दिया, H प्लस लगा दिया, ठीक है बच्चा। तो पहली बात हमने केंद्रीय परमाणु को संतुलित कर दिया, उसके बाद हमने किसको संतुलित कर दिया, ऑक्सीजन को संतुलित कर दिया, है ना, ऑक्सीजन तो पहले से था, उसके बाद हमने क्या किया, एच प्लस आयन को संतुलित कर दिया, ठीक है। अब क्या चीज संतुलित करनी है, हमें चार्ज संतुलित करना है, आवेश बैलेंस करना है, कैसे बोल लो, चार्ज बैलेंस करना है, आवेश संतुलित करना है। तो हम यहां पे क्या करते हैं कि यहां पे केवल चार्ज कितना है, प्लस है, बाकी चीजें तो न्यूट्रल है, बस एक प्लस चार्ज है, प्लस को माइनस, प्लस को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। और बाद में अगर बाद में लिखना चाहो तो N2O4 से HNO2 बना, इसका जो रेडॉक्स पोटेंशियल है वो कितना था, 1.065,
ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो आप इस तरीके से किसी भी दो रिएक्शनों को आपस में बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। यहां पे इससे इसको बैलेंस कर सकते हो, इससे इसको बैलेंस कर सकते हो, किसी को भी बैलेंस कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चा। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई कि लैटिमर आरेख से किस प्रकार अर्ध अभिक्रिया बनाई जाए, ठीक है। अभी मैं आपको एक दो लैटिमर आरेख और बताऊंगा, क्योंकि देखो ये मोस्ट क्वेश्चन है और इसमें से कोई सा भी एग्जांपल पूछा जाता है, वैसे ज्यादातर नाइट्रोजन वाला पूछा जाता है, इसके अलावा एक दो एग्जांपल और है, तो मैं आपको वो एग्जांपल भी करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का हम देखेंगे अगली क्लास में। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।